हेलो गाइस, तो स्वागत है आपका एक न्यू वीडियो में। तो समय रायना के ऊपर दीपक कलाल बहुत ज्यादा इमोशनल हो गए, और यही नहीं, समय रायना के न्यू एपिसोड में पुनीत सुपरस्टार और दीपक कलाल के बीच लफड़ा देखने को मिला। और यही नहीं, क्रेजी दीप ने बहुत गंदा एक्सपोज कर दिया पायल गेमिंग को। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं समय रायना के बारे में। तो समय रायना का नया वीडियो आया है इंडियाज गॉट टैलेंट का, और इस एपिसोड में जो मेन गेस्ट है वो है दीपक कलाल। और यही नहीं, इस एपिसोड में हमें पुनीत सुपरस्टार भी देखने को मिले। जी हाँ, जो पुनीत सुपरस्टार आते हैं स्टेज में और वो जो दीपक कलाल के बारे में क्या बोलते हैं, मैं छोटी सी क्लिप लगाती हूँ, देखिए आप लोग। ये साला, ये समय रहना के टुकड़ों में पल रहा है मुंबई जाके, और साला मेरे को बोल रहा है ये समय रहना के टुकड़ों में पल रहा है मुंबई में आके, और ये साला बोलता है कि मैंने 40,000 रुपए का कर लिया है। कल मैं शीश के ताज होटल गया परसों मिलने, मुझे कहता भाई मैंने तो 65,000 का कमरा लिया है, लाइव डाली है इसने। ये बोल इन लोगों को कि 3 दिन से तू समय रहना का खाता है मुंबई में, और समय रहना तेरे को इज्जत दे रहा है। ये साला दोगला आदमी, इतना बड़ा दोगला है ये साला, टट्टी है टट्टी, ठोको तालियां। पुनीत भाई देखो यार, हमारे गेस्ट हैं वो यार, तो ऑफकोर्स उनको हम स्टे तो देंगे यार, इट्स फ्रॉम अस। तो इसको इसके 299 के कमरे में भेज दो, यो यो रूम में 299 के कमरे में रहता है ये, 299 के कमरे में रहता है ये। तेरे को होटल समय रहना लेके दिया भाई, तो वो तो गेस्ट है ना वो, तो बोल साल, तो ये अपना कैसे बता रहा है भाई, इन्हीं का यार होटल, तो इन्हीं का यार। समय रहना भाई मेरे पास, रूम पे प्यार से बात कर रहा हूँ। समय रहना के पास मैं 5 दिन पहले, समय भाई का मेरे पे फ़ोन आया, कहता भाई ऐसी ऐसी बात है, मैं ला ठीक है। समय भाई ने मुझे होटल करके दिया, मैं खुद कबूलता हूँ भाई। मैं ये क्यों बोलूँगा कि मैंने अपने बच्चों कराए, पूरी दुनिया के सामने बोलता हूँ, ये दुकान ये कैसे बोलता है कि मैंने अपने बच्चों कराया भाई। ठीक है साले, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है भाई। देखो पुनीत भाई देखो आप अगर बोलने वाले बन रहे हो तो सुनने वाले भी तो बनो 2 मिनट भाई, कोट पहन के साला भाई। ठीक है पुनीत भाई देखो आप अगर सुन भी तो लो यार, आपने इतना बोल दिया है, इतना बोल दिया आपने, सुन तो लो भाई। तो एक बार दीपा भाई के लिए जोरदार ताली यार। देखो यार पुनीत भाई, हमारे गेस्ट हैं दीपक भाई, आप दोनों भाई तो इधर भाई। भाई देखो, चाहे जो भी हो भाई, हम सबको एक दिन मरना है भाई, तो क्यों हम इतनी लड़ाई वड़ाई में रह रहे हैं। सुन, जिसकी रोटी खाता है अगर तू इसका नहीं लेगा ना, कोई नहीं भाई, मारूंगा साला तुझे, तो कोई रोटी खा, तो एक टट्टी खाता है। और समय रायना से रिलेटेड बात हो रही है, तो समय रायना के ऊपर दीपक कलाल बहुत ज्यादा इमोशनल हो गए। बेसिकली हुआ क्या कि समय रायना के न्यू एपिसोड में इनवाइट किया था दीपक कलाल को, और जो दीपक कलाल है वो इनवाइट करने के लिए समय रायना को बहुत बड़ा थैंक यू बोलते हैं, और बहुत ज्यादा इमोशनल हो गए थे समय रायना के लिए। देखिए आप लोग। लव यू समय रैना, मेकिंग इंडियाज गॉट टैलेंट विद मी एंड giving such a lovely gift to our fans and our brothers. Thank you very much. Making Deepak Kalal so special on your show. I saw the show and thank you very much. Samay Rehna bhai, I just love you. और दीपक कलाल की इस वीडियो के ऊपर समय रायना का भी रिएक्शन देखने को मिलता है। उन्होंने इसी वीडियो के नीचे कमेंट किया था, बेसिकली वो दीपक कलाल को कमेंट में सपोर्ट करते हुए नजर आए। बाकी मैंने स्क्रीनशॉट लगा दिया है, आप चाहें तो पढ़ भी सकते हैं। तो नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं क्रेजी दीप वर्सेस पायल गेमिंग के बारे में। तो क्रेजी दीप ने बहुत गंदा एक्सपोज कर दिया पायल गेमिंग को। बेसिकली हुआ क्या कि आप लोगों को पता होगा कि कुछ दिन से या फिर कुछ महीनों से जो क्रेजी दीप है वो हाइप बना रहे थे पायल गेमिंग की एक एक्सपोज वीडियो, जिसमें बेसिकली उनका यही कहना था कि वो पायल गेमिंग एंड ऑल्सो इंडियन फीमेल गेमर के ऊपर एक एक्सपोज वीडियो लाने वाले हैं, जिसमें वो टोटली एक्सपोज कर देंगे। तो कल उन्होंने अपने चैनल पे एक वीडियो को अपलोड किया, जहां पर उन्होंने सबसे ज्यादा बात किया पायल गेमिंग के बारे में। मैं उसी वीडियो में से छोटी सी क्लिप लगाती हूँ, देखिए आप लोग।
बताओ भाई, जब आप गेमर हो लेकिन आपको पता चल जाए कि आपकी ऑडियंस आपको बिना मेकअप के देखती नहीं, जब आप गेमिंग करते हो तो आपके व्यूज नहीं आते, लेकिन आप एडल्ट चीजें पढ़ो अगर या इस तरीके का गंदा कंटेंट देखो तो बच्चों को और कैसे मजा आता है, अरे पायल जी आज तो क्रेजी हो गया। तो फिर आप आदर्श की वीडियो भी रिएक्ट करते हैं। व्हाई डू गर्ल्स टॉक टू मच? यू टॉक टू मच? नो नो, यू नो व्हाई? यू नो व्हाई? व्हाई? बिकॉज़ गर्ल्स हैव फोर लिप्स। क्रेजी हो गया भाई, हट गए हंसते हंसते, मतलब तुम्हें दिखाई नहीं दे रही होगी लेकिन भाई 4 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर हैं। हमारी दीदी गेमर है लेकिन करती क्या उस पे रिएक्शन दे, शर्म आ रही है ऐसी वीडियोस पे। और इनसे मिले थे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी। प्रधानमंत्री अगर ये वीडियो देख लेता तो आता तुमसे मिलने और चप्पल निकाल के मारता, फिर बोलेंगे हाय माय नेम इज पायल गेमिंग और मैं एक गेमर हूं। थोड़े गेमर पायल, यार तेरे को कैसा लगता है कि तेरे 4 मिलियन सब्सक्राइबर है लेकिन जब तू गेमिंग करती है ना तो 4 लोग भी नहीं आते, और अब भी लोगों को लगता है कि गेमिंग के अंदर पायल अंडररेटेड है? वो अंडररेटेड नहीं है, अंडर प्रिपेयर्ड। मध्य प्रदेश से हो तो मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, लेकिन मेरे को इंडस्ट्री के बारे में सबसे गंदी चीज ये लगती है कि चाहे कोई क्या भी हो पर अगर नंबर बड़े हैं तो उसको फैन फेस्ट में बुलाया जाएगा, उसके साथ कोलेब्रेशन होंगे, उससे प्रधानमंत्री सारी अपॉर्चुनिटी उसको मिल जाती है। अभी जो हमारे रोस्टर हैं स्ले पॉइंट, उनके साथ भी इनका कोलेब्रेशन हुआ। पायल का चैनल बेशक गेमिंग है लेकिन गेमिंग को छोड़ के तुम और क्या क्या कर सकते हो ये बताओ? तुम दूसरों के यूट्यूबर के चैनल पे रिएक्शन दे सकते हो, तुम बकवास चीज शॉर्ट्स बना सकते हो, मेकअप लगा के वाहियात बातें कर सकते हो, अरे तुम गाँव जाके व्लॉग, एक गेमर ही है। तो नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं रजत दलाल के बारे में। तो क्या सलमान खान ने रजत दलाल को एक्सपोज कर दिया? ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ, बेसिकली हुआ क्या कि आप लोगों को पता होगा कि कल बिग बॉस 18 का प्रोमो वगैरह अपलोड किया गया था, जहाँ पर सलमान खान रजत दलाल को कहते हैं रजत तुम्हारी जो हेडलाइन है ना वो बहुत सही होती है लेकिन उसका जो मैटर होता है वो इतना अच्छा नहीं होता, मतलब बहुत बैलेंस्ड रहता है। और इसके बाद में सलमान खान रजत दलाल को कुछ बाहर के कमेंट्स पढ़ाते हैं जो कि रजत दलाल को अभी के टाइम पे सोशल मीडिया पे मिल रहा है। सलमान खान ने वही वाला कमेंट दिखाया जिसमें एक बंदा बोलता है कि रजत दलाल वही बंदा है जो पहले चाहत को परेशान वगैरह किया करता था एंड ऑल्सो अभी उसी के लिए स्टैंड ले रहा है। क्या डबल स्टैंडर्ड दिखा रहा है रजत दलाल बिग बॉस के घर में? एंड सलमान खान ने ये भी कहा रजत दलाल को कि अभी आप घर में किसी के भी नहीं हो। एंड सलमान खान ये भी कहते हैं कि अभी रियल रजत दलाल को बाहर आना बाकी है। बाकी आप लोगों का क्या कहना है इस सब पर कमेंट में जरूर बताना। तो गाइस मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।